हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब हम आते हैं तो यहाँ पर मेडिकेयर जो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कुछ वीजा के ऊपर, खास तौर के ऊपर जो पीआर बेसिस के ऊपर आते हैं 189 या 190। अभी तो 491 वीजा के ऊपर जो है वो भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको अंडरलाइन करना, वो मिलेगी आपको। और अगर आप टेम्परेरी वीजा होल्डर्स हैं जिसके अंदर 489 वीजा भी आता है, स्टूडेंट वीजा भी आता है, टूरिस्ट वीजा भी आता है, मतलब टेम्परेरी वीजा होल्डर्स, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप क्या सोचते हो कि मेडिकल फ्री है? आज इसका सच आपके सामने लेके आऊंगा। इस लाइन में मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं जो खुद रियल एक्सपीरियंस करता हूं उसी की बेसिस के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल की, मेडिकेयर की, मेडिकल की नहीं, मेडिकल नहीं, मेडिकेयर की, मेडिकेयर कार्ड जो होता है। देखो हुआ क्या है, मेरे पास मेडिकल कार्ड नहीं है अभी, राइट नाउ प्रेजेंटली, राइट, बिकॉज आई एम ऑन 489 वीजा, और 489 वीजा के ऊपर आपको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। और जब वो आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लेते हो तो उसका क्लेम आपको मिल जाता है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, और जिनके पास मेडिकेयर है उनको क्लेम नहीं मिलता है। देखो बात शुरू हुई कैसे, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना क्योंकि ये बाद में आपको पता नहीं लगेगा और इसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं है मेरे हिसाब से, और ऐसी इंफॉर्मेशन मेरा जो है मेन मोटिव आपको देना है, ठीक है। आपके मन के अंदर जो पिक्चर बनी हुई है ना कि मेडिकल फ्री है, अभी वो पिक्चर क्लियर होने वाली है। फिर मैं कह रहा हूं मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, फिर भी आप अपने एजेंट से या कोई प्रोफेशनल से पूछ लेना। ये बात मुझे कब पता लगी, देखो मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न भराने के लिए गया, उसमें एक फील्ड होती है मेडिकल लेवी। मेडिकल लेवी फील्ड मतलब अगर आपके पास फीस इन द सेंस, अगर आपके पास मेडिकल नहीं है, वो आपकी इनकम के ऊपर 2% लगती है मेडिकल लेवी आजकल के टाइम के ऊपर। मान लो आपकी इनकम जो है वो $100,000 है एग्जांपल, और $100,000 का 2% कितना हो गया, $2,000 वो आपको देने पड़ेंगे अगर आपके पास मेडिकेयर है। अगर मेडिकेयर नहीं है तो आपको मेडिकेयर लेवी जो है वो आपको एग्जम्प्ट करवानी पड़ेगी। MES, इसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल एंटाइटलमेंट स्टेटमेंट, आई थिंक चेक कर लेना MES। यहां पर सरकार को लिखकर भेजना पड़ेगा कि मेरे पास मेडिकल नहीं है, मुझे मेडिकेयर सर्टिफिकेट दो, मेडिकल लेवी वाला सर्टिफिकेट दो, ताकि मैं उसको अप्लाई करूं और जो मेरे 2% है ना वो माइनस हो जाए। अगर अगर आपके पास मेडिकल है तो वो माइनस नहीं होगी, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मेडिकल फ्री है, फ्री नहीं है। हालांकि पैसे ज्यादा लगते हैं, आपकी इनकम अगर आप बिजनेस करोगे 1.5 लाख कमाओगे तो आपकी मान लो इनकम टैक्स जो टैक्सेबल रिटर्न होगी वो आपको अकाउंटेंट बताएगा, ठीक है। अगर वो आप 1.5 लाख कमाते हो साल का, उसका 2% कितना बनता है, $3,000 आपको साल का देना है सरकार को, तो मेडिकल पूरा फ्री नहीं है। ये हो सकता है कि जब आप जीपी के पास जाते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चार्ज करेंगे, मतलब लाइक पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, ये बेनिफिट तो है और काफी सारी और भी फैसिलिटीज हैं इसके अंदर, लेकिन मेडिकेयर कार्ड में सारी फैसिलिटीज नहीं है। जैसे एम्बुलेंस, ये मत सोचो कि अगर मेरे पास मेडिकेयर आ गया तो मुझे बाहर से प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है गाइस। आपको देखना पड़ेगा कि मेडिकेयर के अंदर अंदर कौन सी फैसिलिटीज हैं, और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मेडिकेयर कार्ड है लेकिन फिर भी वो प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं। खर्चा कम हो जाता है मैं मानता हूं, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सो मेडिकेयर फैसिलिटी कहने में तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाती है, लेकिन आपका जो साल का 2% होगा ना, पूरी इनकम जो बनेगी, टैक्सेबल इनकम बनेगी, सारे खर्चे खुर्चे निकाल के बला बला, वो आपका वो बताएगा कि खर्चे निकाल के जो आपकी रिसीट आई है जो भी है वो आपका काउंटर बताएगा, मतलब 2% आपको देना पड़ेगा। ये है जी मेडिकल फैसिलिटी। तो अभी आपके माइंड में सेट हो चुका होगा कि 2% आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्लाई करो। अब मेरा 489 है, मैंने 2018 में आया था, 2018 से 2019 तक, 2019 से 2020 तक,
और 2020 से 21, हाँ 3 साल मैंने मेडिकेयर अप्लाई किया, मैंने 3 साल की रिटर्न बता दी उनके मेरे अकाउंटेंट ने, और मैंने इस बार खुद अप्लाई किया और मुझे वो एग्जम्प्ट हो गया, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेडिकेयर कार्ड, आई होप आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो चुकी होगी। बाकी अगला टॉपिक किस वीडियो के ऊपर, अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और मेरे वीडियोस को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जल्दी ही हम घूमने जाएंगे कहीं, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, फिर हम और आपको व्लॉग्स देंगे बाहर घूमने के। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली और हैप्पी दशहरा, बेस्ट ऑफ लक।